दिनों पहले सिंधिया समर्थक रहे हैं। हमारे पार्टी के वो थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ दावाजी की। आज पूरा मध्य प्रदेश तो इस दृष्टि से देख रहा है, जो आज एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की जो उम्मीदें थी मध्य प्रदेश सरकार को, उसको लाने की कोशिश, उसके साथ दगा करने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की है, जिसको पूरे मध्य प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने भी वो षड्यंत्र के तहत, और विधायक चलो इतना समझदार होते हुए करेरा की जनता ने इन्हें चुना और 15,000 वोट से जिताया, उसको उन्होंने ध्यान में ना रखते हुए आज षड्यंत्रियों जो षड्यंत्री हैं उनके साथ मिलके आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सत्ता को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा षड्यंत्र कर रही है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है हमारे साथ। राजनीति में आने का श्रेय आप सिंधिया जी को देते हैं, सिंधिया को अपना आदर्श मानते हैं, आज ये स्थिति बनी तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज ये सिद्ध हो गया कि झांसी की रानी के धोखेबाज आज सिद्ध हो गया। ऐसे में आपके आदर्श बदल जाएंगे, कौन रहेगा आपका? बिल्कुल, मेरे आदर्श मेरी कांग्रेस पार्टी रहेगी, राहुल गांधी जी रहेंगे, और मेरे आदर्श कांग्रेस पार्टी है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानता, हाँ मैं उन्हें आदर्श मानता था क्योंकि वो मुझे साथ छवि के लगते थे, लेकिन उन्होंने जो विश्वासघात किया है पूरे 8 करोड़ की जनता के साथ में मध्य प्रदेश के, मैं उनको बहिष्कार करता हूँ, और भविष्य में भी मैं उनसे नफरत करता हूँ। आपकी आज जो होर्डिंग्स लगे हैं करेरा में, उनमें अभी भी सिंधिया जी एक का फोटो छपे हैं, यदि ऐसा था तो होर्डिंग्स क्यों नहीं हटाएगा? अभी तक निकलवा दिए, पुराने लगे हैं ऐसे तो बहुत सारे लगे, बहुत पुराने लगे हैं, निकलवा जाएंगे, निकलवा दिए जाएंगे, निकलवाने का काम भी चल रहा है, निकलवा दिए जाएंगे, लेकिन क्या है अभी लगे हैं जगह जगह, बहुत सारे होर्डिंग लगी हुई है।